हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज हमारा टॉपिक है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो हमें समझना पड़ता है वो समझना पड़ता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आप देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास है तो कुछ कंजर्व हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और CO2 गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने कार्बन ले लिया 12 ग्राम और ऑक्सीजन लिया है हमने 2 ग्राम लिया है ऑक्सीजन हमने 2 ग्राम लिया है तो इस लॉ के अनुसार क्या हो रहा है, जो रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका मास हमेशा बराबर होना चाहिए किसके मास के द्वारा, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है उसका मास। तो रिएक्टेंट का मास क्या था, 12 और 2, तो 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 ग्राम होता है। तो हमारे CO2 का मास क्या होगा, करेक्ट, हमारे CO2 का मास भी क्या होगा, 14 ग्राम। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि जो रिएक्टेंट के मास होते हैं उनका सम हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। ये सिंपल लॉ ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा कि क्या होना चाहिए आंसर। अगर हमने एक वुड लिया, एक लकड़ी ली और वुड हमारी मान लेते हैं 500 ग्राम की है, 500 ग्राम की है, और उस वुड को हमने बर्न किया, तो हमें क्या मिलता है, करेक्ट, हमें क्या मिलती है, एस, हमें राख मिलती है ना। और राख मिली हमें, मान लीजिए 50 ग्राम की मिली राख, 50 ग्राम की। तो रिएक्टेंट का मास कितना था, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना था 500 ग्राम, कितना था 500 ग्राम। और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, मास ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास 50 ग्राम। तो लॉ तो गलत हो गया, लॉ क्या कहता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं कि कहां पे गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि लॉ तो सही है। तो ये जो अंतर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ना केवल एस आता है बल्कि स्मोक भी निकलता है, और वो जो गैस निकलती है स्मोक में CO2 गैस होती है, अब वो तो चली गई, उड़ गई। तो अगर एक क्लोज कंटेनर में, उस CO2 गैस जो स्केप हुई है उसको अगर हम नापेंगे, उस CO2 गैस का जो वजन निकलेगा वो करेक्ट 450 ग्राम निकलेगा। कितना निकलेगा, 450 ग्राम निकलेगा। तो अब हम सेकेंड लॉ समझने वाले हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपने मैथ में तो सुना होगा वर्ड प्रोपोर्शन। अब ये क्या कह रहा है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे अगर हमने वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं H2O, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो बच्चा 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसका मास का हम रेशियो लेते हैं ऑक्सीजन के मास से, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चा, 16। अगर सबसे सिंपल रेशियो लेंगे तो इसका क्या आएगा, डिवाइड कर दे 2 से, तो कितना जाएगा, 1:8। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और हमें 9 ग्राम पानी मिलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, मतलब जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक डेफिनेट रेशियो में ही करते हैं। जितना आप हाइड्रोजन लोगे 8 गुना ज्यादा आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने हाइड्रोजन 2 ग्राम ली तो ऑक्सीजन 16 ग्राम, अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम ली तो ऑक्सीजन, करेक्ट, 24 ग्राम लेना पड़ेगा, 24 ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दें कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ
रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना इजी है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो अगर हमारा हाइड्रोजन 5 है तो 8 टाइम्स, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए रहेगा, 5 × 8 कितना चाहिए रहेगा, 40 ग्राम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। अमोनिया NH3 हमने लिया, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है बच्चा वो 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो हमारा रेशियो हो गया 14:3, मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3 ग्राम हाइड्रोजन से, तो कितनी अमोनिया बनेगी, कौन सा लॉ हो रहा है उपयोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि रिएक्टेंट कितना है 17 है, 14 + 3 = 17 होता है, तो प्रोडक्ट कितना होगा 17 ग्राम होगा, तो प्रोडक्ट कितना पड़ेगा 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बन जाएगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितने ग्राम हाइड्रोजन ये करेगा, तो 14 ग्राम के साथ अगर 3 ग्राम है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो 28 ग्राम के साथ क्या होगा, इसका अगर हम डबल लेंगे इसका भी कितना पड़ेगा, डबल लेना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 6 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, जितना आप यहां मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टन्स पोस्टुलेट्स। डेल्टन एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया, उनको एटम का सूक्ष्म, मतलब क्या बोले, मैटर का सबसे सूक्ष्म रूप दिखाई दिया, छोटा रूप दिखाई दिया मैटर का। हम सब जानते हैं मैटर क्या होता है, जिसके पास मास होता है, जो स्पेस लेता है, जैसे हम चेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। तो जैसे हनुमान जी को अपना बड़ा रूप का ज्ञान हुआ था जब उनको समुद्र पार करना था, उसी तरह डेल्टन को भी ये आया दिमाग में आया कि जो भी मैटर है उसको कोई ना कोई छोटा रूप हो गई होगा, सूक्ष्म रूप हो गई होगा, और वो छोटे रूप को जिससे वो बना हुआ है उसने उसको क्या बोला, एटम बोला। तो पहला उसका पोस्टुलेट बहुत स्ट्रांग है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइड, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड उसने बोला कि जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उस केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना तो क्रिएट होते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने C+O2 gave CO2। देखिए केवल और केवल क्या हुआ कि पहले C और O2 अलग थे और ये बॉन्डिंग बन गए दोनों के बीच में, कोई नया एटम ना आया ना कोई भी डिस्ट्रॉय हुआ, देखो एक C था, एक C है, दो O है, तो ना जब कोई आएगा ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या होगा, मास तो कंजर्व ही होगा ना। तो उसने यही बोला, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और एटम ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, बस वो क्या होता है, उनका बॉन्डिंग चेंज होती है, पहले सी और उसमें बॉन्डिंग नहीं थी, उसमें बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो अब इसका थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट है डेल्टन का वो ये है
कि अगर एक हमने एलिमेंट लिया, जैसे कि हमने एलिमेंट लिया सोडियम, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे ना सब एक जैसे होंगे, सोडियम के जितने भी एक एटम्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे। ये मैंने सोडियम का एटम बना दिया है, तो अगर ये क्या है तो ये सेल्स होते हैं और ये जो डॉट डॉट दिख रही है वो इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे होते हैं, वो आगे अगर पढ़ेंगे तो देखिए ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट में जो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये एटम वन है और ये क्या है, एटम सेकेंड है, ये एटम सेकेंड है और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन यही था कि एक एटम, एक एलिमेंट जो होता है, सोडियम हमारा एक एलिमेंट है और उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, जितना एटम वन का मास होगा उतना एटम टू का मास होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक डिफरेंट एलिमेंट ले, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, एक कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, जैसे हीलियम ले लिया हमने, तो हीलियम का आप देखना कि हीलियम में ये आपको एटम का साइज कैसे दिख रहा है, छोटा बड़ा, बहुत ऑब्वियस बात है कितना छोटा साइज है। तो ये जो एटम है, ठीक है, अगर हम हीलियम के ही दो एटम लें तो वो सिमिलर होंगे, वो आपस में तो सिमिलर होंगे। हीलियम का अगर हम एटम वन डैश लें और ये एटम टू डैश लें तो ये आपस में सिमिलर है, लेकिन आप खुद बताइए क्या हीलियम का एटम और सोडियम का एटम सेम है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं हीलियम का एटम छोटा है, उसका मास कम है, और जो सोडियम का एटम वो बड़ा है, उसका मास ज्यादा है। तो एक एलिमेंट का खुद के एटम सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर दो डिफरेंट हम एलिमेंट लेते हैं तो उनके जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, या क्या बोले, डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट है थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सिमिलर होंगे, और फोर्थ पोस्टुलेट हमारा क्या है डेल्टन का, कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो डेल्टन का फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट देखते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोला है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो स्मॉल बोर नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अगर हमने लिया H2O, हम पहले ही समझ चुके थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको याद है, देखिए फिर से याद दिला देते हैं। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो टू क्या है, एक सिंपल होल नंबर तो है, और वन क्या है, एक सिंपल होल नंबर है। सो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वही बोला गया, जब भी कंपाउंड बनते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ढाई हाइड्रोजन पौने सात ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, फ्रैक्शन में कभी कंबाइन करते हैं, लार्ज नंबर नहीं लेते हैं, एक छोटा सा स्मॉल होल नंबर लेके ही कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। सिक्स्थ बोला है रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ऑफ इन अ कंपाउंड। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर लिया हमने पॉन्ड से लिया, वाटर हमने लिया टैंक से लिया, तो आप देखो चाहे आप कहीं से भी हो, सोर्स कुछ भी हो, वॉट एवर बी द सोर्स, वॉट एवर बी द सोर्स, कुछ भी सोर्स हो, आप देखो कि अगर कंपाउंड वाटर है तो उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, तो जो रिलेटिव नंबर है कि मतलब हाइड्रोजन दो होंगे ऑक्सीजन एक होंगे, ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, वाटर में हमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा हमेशा, चाहे कोई भी सोर्स हो, उनका जो रिलेटिव नंबर है टू और वन वो भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है डेल्टन पोस्टुलेट लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है आप देख रहे हो, पहले लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सेकंड लिखा है डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, थर्ड लिखा है डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, और फोर्थ लिखा है इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्यों, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो पहली जो लिमिटेशन वो है कि डेल्टन ने बोला था कि सबसे जो छोटा है वो एटम होता है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि एटम्स भी छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम खुद बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उसका ये कहना कि एटम ही सबसे छोटा होता है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो गलत हो गया, वो डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से
बनते हैं, ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं हुआ है। सेकंड क्या है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स में क्या होता है, एलिमेंट सेम होता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब एलिमेंट तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग हो गया, ठीक है। तो डेल्टन ने क्या बोला था, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन आइसोटोप्स के बाद क्या हुआ, एक ही एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं उनके वो कुछ अलग भी हो सकते हैं, उनके मास अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आइसोबार्स आता है, आइसोबार में जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे डेल्टन ने बोला था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनके मास कभी सेम नहीं होंगे, लेकिन आइसोबार में ऐसा होता ही है कि डिफरेंट एलिमेंट के भी मास सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो डेल्टन का वो भी, ये भी एक लिमिटेशन है। लास्ट आप देख रहा हो एलोट्रॉप्स देख रहा हो, एलोट्रॉप्स आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है वो होता है डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। तो डायमंड ग्रेफाइट जो है वो पूरा कार्बन का ही बना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब कोई भी चीज एक ही चीज की बनी है तो एक जैसा दिखना चाहिए डेल्टन के अनुसार, लेकिन डायमंड आप जानते हैं एकदम अलग दिखता है, ठीक है, एकदम उसकी चमक रहती है। और ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट होता है, वो एकदम अलग दिखता है। तो ये डेल्टन नहीं समझा पा रहे थे कि डेल्टन के पोस्टर से ये नहीं समझाया जा सकता है कि एलोट्रॉप्स अलग अलग क्यों दिखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, होप यू एंजॉय, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लिखा है एटॉमिक मास। अब डेल्टन ने तो बता दिया कि भाई कि सब चीज जो है मैटर है वो एटम से बना होता है। अब एटम का मास कैसे निकाला जाए ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे कि आप सामने व्हाइट बोर्ड है, इसका मास कितने किलो होगा, 2-3 किलो होगा, तो आप जानते हो। अब एटम तो बहुत छोटा होता है, एटम होता है 10^-12 meter, कैन यू इमेजिन 10^-12 meter। सो इतना छोटा एटम का मास कैसे निकाला जाए, ये कंफ्यूजन थी। तो क्या इसका सोल्यूशन निकाला गया, सोल्यूशन ये निकाला गया कि आप मान लो सबसे ज्यादा पाया जाता कार्बन, कार्बन के मास को मान लिया गया 12U, कितना मान लिया गया 12U, जहां पे U क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन के मास को माना गया 12U। अब आप कार्बन का मान सकते तरबूज, जिसका टोटल मास है 12U, इसके आप 12 टुकड़े करो, कितने टुकड़े कर दो आप 12 टुकड़े कर दो, अब 12 टुकड़ों में हर एक टुकड़े का वजन कितना होगा, अगर आपने इसके 12 पीसेस कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हर एक टुकड़े का कितना होगा 1U होगा। फिर आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन यहां पर रखा, आपने रखा ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, ये क्या है बैलेंस है, नहीं जब अपन सब्जी वाली जाते हैं तो सब्जी तोलते हैं तो वाला बैलेंस है। तो आपने ऑक्सीजन एलिमेंट रख दिया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपके 16 टुकड़े लग गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो जब 16 टुकड़े लग गए, अब हर एक टुकड़े वजन अगर 1U था तो 16 लग गए बैलेंस करने में, तो ऑक्सीजन का क्या वजन होगा, करेक्ट 16U। इसे देखिए ऑप्शन कितना है 16U। तो ऐसे ही एक का वजन माना गया 12U, ठीक है, और उसके कंपेयर में हर एक का वजन निकाला गया। 9th क्लास में इतने आपको मासेस पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, उसके मैंने सिंबल्स भी लिखे हैं, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का करेक्ट 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं इसके सवाल कैसे आते हैं। देखिए आपको आपके सामने दो कंपाउंड है, एक कैल्शियम फॉस्फेट है और सोडियम कार्बोनेट .10H2A। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके हमें मास निकालने होते हैं, तो कैसे निकालते हैं।
सी ए कैल्शियम, याद करिए टेबल में कैल्शियम का मास क्या था, करेक्ट 40, कितने कैल्शियम है 3, तो इनटू 3। अब ये ब्रैकेट लगाया, यहां पे क्या रखा है 2, तो फास्फोरस 2 हो जाएगा। जब एलिमेंट चेंज होता है, हम कैल्शियम खत्म हो गया फास्फोरस में जा रहे हैं, तो एलिमेंट चेंज तो प्लस। अब फास्फोरस का कितना वेट होता था, देखिए फास्फोरस का कितना होता था 31, तो 31 हो गया, और कितने फास्फोरस है 2, फिर एलिमेंट चेंज प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो 16 × 8, इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा 120 प्लस 62 प्लस 8 × 6 = 48, 128, तो ये हो जाएगा 120, 120, 240, 240, 60, 300, 300, 308, 310, तो कितना आएगा 310 U। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, तो ये सोडियम, सोडियम का वेट मास कितना होता है 23, कितने सोडियम है 2, दो है ना सोडियम। अब एलिमेंट चेंज, एलिमेंट क्यों चेंज, क्योंकि कार्बन आ गया है, तो प्लस, कार्बन कितना होता है 12, फिर एलिमेंट चेंज तो ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो इनटू 3, डॉट मतलब होता है प्लस। अब ये जो 10 है, 10 वो पूरे में है, होल है H2O का, तो 10, अब H2O, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो करेंगे तो क्या जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10, और ये क्या जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा 180, और ये क्या आएगा 46 48 48 46 और 12, तो क्या आ जाएगा 8 6 14 15 16 1 8 4 12 16 17 18 1 और ये 2, तो 286 आ जाएगा इसका मास। आई होप आपको ये समझ में आऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि सामने देख रहे हैं आपको आयंस दिख रहे हैं, आयंस क्या होता है, जो चार्ज होते हैं, जैसे मैंने प्लस माइनस आपको दिख रहा है, तो ये सब आयंस हैं। अब इनकी क्या जरूरत है, क्या ये काम आएंगे, जैसे पहला आप देख रहे हैं इसको रीड किया जाता है Na प्लस और बोला जाता है सोडियम, फिर क्या है K प्लस पोटेशियम, Ag प्लस सिल्वर, Cu प्लस कॉपर फर्स्ट, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, Zn2 प्लस चेन, Fe2 प्लस आयरन सेकेंड, Cu2 प्लस कॉपर सेकेंड, Fe3 प्लस आयरन थर्ड, Al3 प्लस एल्यूमिनियम, H प्लस हाइड्रोजन, H माइनस हाइड्राइड, Cl माइनस क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, O2 माइनस ऑक्साइड, H2 माइनस सल्फाइड, N3 माइनस नाइट्राइड, NH4 प्लस अमोनियम, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, SU3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट, SO4 2 माइनस सल्फेट, PO4 2 माइनस फॉस्फेट। तो ये हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब भी कंपाउंड बनते हैं ना, तो इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो इंटरचेंज होते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जितना अगर ये एक प्लस है तो वैलेंसी 1, दो प्लस है तो वैलेंसी 2, तीन प्लस है वैलेंसी 3, दो माइनस है तो वैलेंसी 2, एक माइनस है वैलेंसी 1, दो माइनस वैलेंसी 2। वैलेंसी में प्लस माइनस देखना है, बस जितना चढ़ा हुआ है ऊपर पावर वो देखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोला गया है कि भाई कंपाउंड बनाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोल रहा है राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम कहां पर मिल रहा है ना, यहां मिल रहा है ना एल्यूमिनियम, जैसे सिंबल लिखो सबसे पहले, तो हमने लिख दिया एल्यूमिनियम सिंबल Al। क्लोराइड कहां मिल रहा है, क्लोराइड जैसे सिंबल लिखो तो हमने लिख दिया Cl। फिर इसकी वैलेंसी लिखो तो कितना ऊपर है पावर 3, प्लस माइनस लिखते हैं तो 3। क्लोराइड में कितना है ऊपर 1, प्लस माइनस लिखा जाता है। फिर इसकी वैलेंसी इसको और इसकी वैलेंसी इसको, तो इसकी वैलेंसी 1 इसको मिल जाएगी तो Al हो जाएगा, 1 ही लिखा जाता है, और इसकी 3 इसको मिल जाएगी तो Cl3। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया।
तो है ना सिंपल। अपन दो तीन और ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ढूंढिए पोटेशियम कहां पे है, तो पोटेशियम, ये पोटेशियम। तो क्या सिंबल है, सिंपल लिखते हैं सिंबल के, नाइट्रेट, करेक्ट। नाइट्रेट कहां पे है, नाइट्रेट ढूंढिए, ये नाइट्रेट NO3। तो NO3 क्या हो गया सिंबल। अब वैलेंसी पोटेशियम के लिए क्या है, जो ऊपर चढ़ो एक प्लस है ना, तो वैलेंसी वन। नाइट्रेट एक माइनस है, वैलेंसी वन। अब वैलेंसी क्या होगी, इंटरचेंज, वन को तो लिखा ही नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा के एन ओ थ्री, है ना सर। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। देखिए आप क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर आपको दिख रहे हैं दो, एक कॉपर टू दिख रहा है, कॉपर वन। अगर कुछ दिया नहीं गया है कॉपर टू या कॉपर वन, तो आपको कॉपर टू लेना है। उसी तरह आयरन भी टू दिख रहा है, आयरन थ्री। अगर कुछ दिया नहीं गया है टू या थ्री, तो आपको आयरन थ्री लेना है। तो कॉपर क्या सिंबल है, करेक्ट सी यू। सल्फेट कितना है, वेरी गुड एसओ फोर। कॉपी टू, सल्फेट की टू। तो अगर सेम वैलेंसी होती है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो वन वन बचा। अब वन वन तो लिखा ही जाता है, ये क्या हो जाएगा सी यू एसओ फोर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाता है। देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम क्या होता है NH4, कार्बोनेट क्या होता है, करेक्ट CO3। अमोनियम वैलेंसी वेरी गुड वन, CO3 की बच्चों गुड टू। तो वैलेंसी क्या होगी, इंटरचेंज। तो NH4 जब भी पॉलीटॉमिक होते हैं, मतलब एक साथ एलिमेंट होते हैं, तो उनको फिर ब्रैकेट में कर दो, ये टू ही पूरे का है, तो NH4 का होल ट्वाइस, और वन तो यहां जाएगा, वन तो लिखा नहीं जाता, तो ये हमारा आंसर हो गया NH4 का होल ट्वाइस CO3। अब देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। तो आपको क्या दिख रहा है K2CO3। तो K क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। और CO3 क्या होता है, करेक्ट कार्बोनेट। तो ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट, है ना सिंपल। इस तरह बहुत आसानी से कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, बस ये टेबल याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या लिखा है, Na2SO4। तो Na क्या होता है, करेक्ट बच्चा सोडियम, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। तो क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। अब देखिए क्या लिखा है, CA। तो CA क्या होता है, करेक्ट कैल्शियम, और SO3 क्या होता है, वेरी गुड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब क्या हो गया, नाम हो गया इस कंपाउंड का नाम। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों चीजें कैसे, अगर नाम दिया तो फॉर्मूला बनाते हैं, वैलेंसी को इंटरचेंज किया जाता है, और अगर फॉर्मूला दिया हो तो नाम लिखना तो बहुत आसान होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप सामने बॉटल देख रहे हैं, आपको पानी दिख रहा है, कितना पानी होगा इसमें, 300 ग्राम या 250 ग्राम, है ना। क्या आप बता सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देख केमिस्ट्री कितनी ब्यूटीफुल है कि मैं बता सकता हूं एग्जैक्टली कितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे वाटर के। तो थैंक्स टू एवोगाडो, ठीक है, एवोगाडो ने बताया कि बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बताया उसने। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का मास क्या होगा, कंपाउंड का मास कितना, हाइड्रोजन है दो, हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन का मास वन होता है, दो है तो इंटू टू, एलिमेंट चेंज तो प्लस, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो हो गया 18U। तो अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं, किस क्या किसमें लिखते हैं, ग्राम में, तो अगर हमने एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास को ग्राम लिख दिया तो वो हो जाता है एक मोल के बराबर। किसके बराबर होता है, एक मोल। सो व्हेन एटॉमिक मास इज रिटन इन ग्राम, इट बिकम वन मोल। क्या बन जाता है, वन मोल। और एवोगाड्रो अकॉर्डिंग वन मोल में, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, वन मोल में, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक मोल में इतने होते हैं। तो अगर मान लिया जाए
कि इसमें 180 ग्राम पानी है, तो 18 ग्राम पानी में 18 ग्राम मतलब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल 6.022×10^23, तो 180 ग्राम में कितने होंगे, जस्ट 10 मोल्स हो जाएंगे। 10 मोल्स में क्या हो जाएगा, 6.022×10^24 मॉलिक्यूल्स। तो इस पानी की बॉटल में लगभग 10^24 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री। और अगर ये सब नहीं करना हो तामझाम, तो शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, आपको दिख रहा है n इक्वल टू, जहां पे n मोल्स हैं, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और सेकंड फॉर्मूला आपको दिख रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022×10^23 × n, जहां पे फिर से n क्या है, मोल्स। चलिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूले को, देखते हैं तीन एग्जाम्पल से। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए मास पर मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मास कितना दिया गया है 90, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का, हम जानते हैं 1×2+16 कितना होता है 18, तो हमने अगर दिया 18 तो किससे चले जाएगा, 9 9 2 9 10 2 1 2 5, तो n इक्वल टू क्या आ गया 5। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 6.022×10^23, और मोल्स कितना आया है 5। तो बस 5 से करते हैं, 5 टू 10 11 1 5 टू 10 30, 30.11×10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे एग्जैक्टली किसमें, 90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 90 ग्राम H2O2 में। तो हम जानते हैं मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n मास, मास क्या है 19। अब मॉलिक्यूलर मास तो देखते हैं, H2O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, एलिमेंट चेंज तो प्लस, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 2, तो 2+18 तो कितना हो जाएगा 20। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 22 × 2 9 18 1 10 2 5 10 0.95 मोल्स। कितने आसान है ना, तो 0.95 मोल्स आ गया 90 ग्राम H2O2 में। देखिए तीसरा और आखिरी वेरिएशन क्या है क्वेश्चन में, हमें मास निकालना है 0.4 मोल्स CO2 में। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला लिखा है ना आपके सामने। तो n कितना है 0.4, मास हमें निकालना है और क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, निकाल लेते हैं, कार्बन कितना होता है 12, एलिमेंट चेंज तो प्लस, ऑक्सीजन क्या होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो जाएगा 12+32 तो कितना हो जाएगा 44। तो यहां क्या जाएगा 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4×44 क्या जाएगा मास, तो क्या आएगा 17.6 ग्राम आ जाएगा एग्जैक्टली मास। So thank you so much for watching my videos. If you like it, subscribe my channel, share it with your friends. Thank you so much.